वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर नीलकंद तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, अवधेश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र राय जी, महामंडलेश्वर सपा बाबा आश्रम के महंत संतोष दास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री शत्रुघ्न प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित सभी संत, योगेश्वर स्वयं सेवक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं और दूर दूर से भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी आज इस समारोह के साथ जुड़ने के लिए काशी में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से कैलिफोर्निया से, जलपाईगुड़ी से, गुजरात से, पश्चिमी बंगाल से आए हुए और देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए सपा बाबा के मित्र से रामनाथ जी भी यहां बैठे हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना पिछली सदी के एक प्रखर राष्ट्रवादी और सिद्ध संत पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया है। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की, गुरु कृपा थी, लेकिन साथ साथ फिर राष्ट्रवाद का था और इसलिए भारत सेवा श्रम संघ नाम पड़ा। लेकिन भारत सेवा श्रम संघ के साथ जुड़ा हिंदू मिलन मंदिर, जहां पे समग्र हिंदू समाज एक मंच पर आकर के बैठ करके अपनी समस्या का समाधान कर सके। यह वह कालखंड था जब यह देश गुलाम था, देश में आजादी के लिए छटपटाहट थी, लेकिन इस गुलामी का समाधान क्या होगा यह हमारे पूज्य संतों ने उस समय अपनी दूरदर्शिता के कारण देख लिया था। छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ उनका जो प्रखर अभियान था, वो आंदोलन था, भारत की राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने के लिए पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का जो अभियान था वो अत्यंत अभिनंदनीय था, आज भी है और आगे भी उसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज एक बहुत छोटे कार्यकाल का उनकी भौतिक देह इस धरातल पर थी, लेकिन जितना भी समय उनको मिला उस समय का एक एक क्षण, एक एक पल उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसकी परंपरा को छोड़े बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका समर्पित था। ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि भारत सेवा श्रम संघ